रिक्शे में हम जाते रहते, पीछे एक औरत बैठी रहती जो गायब हो जाती है। एक बच्चा ऐसा रोड के बैठ खड़ा था, उधर तो मॉडर्न बेकरी 16 नंबर से लेके पंप हाउस तक। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों इस बार हम लाए हैं एक नए तरह की वीडियो, जिसमें हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली और डराने वाली जगह के बारे में बात करेंगे। वैसे दोस्तों, हमने सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में पहले भी एक वीडियो में चर्चा की है, और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसे भी देखिए, क्योंकि हमने उसमें भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ साइंटिफिक बातों के बारे में डिटेल में बात की है, जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इस चैनल पर फन का डोज बराबर देते हैं। तो बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो जिस जगह के बारे में है, उस जगह का नाम है आरे कॉलोनी का आरे रोड। ये जगह मुंबई के सबर्बन इलाके में स्थित गोरेगांव में पड़ता है, जो कि सबसे अच्छा शॉर्टकट है गोरेगांव वेस्टर्न हाईवे से अंधेरी के पवई इलाके में पहुंचने के लिए। अंदाजन 6 से 7 किलोमीटर का ये रास्ता अपने अंदर बहुत सी कहानियां समेटे हुए हैं। दिन में तो बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से संपन्न ये रोड दिल को भा जाता है, क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट से लेकर लेक और पिकनिक स्पॉट जैसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको यहाँ आने पर मजबूर करती हैं। पर दोस्तों, जब रात होती है तो जंगल से घिरा हुआ ये रोड उतना ही डरावना और भूतहासा लगने लगता है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रास्ते से गुजरते वक्त एक महिला लिफ्ट मांगती है, और जिसने भी गाड़ी रोकी उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। शुरू शुरू में नए लोगों को इस रास्ते के बारे में उतना पता नहीं था, और कम लोगों की जानकारी में होने के कारण यहाँ लोगों का आना जाना कम ही था। परिणाम स्वरूप ये रास्ता सुनसान था, और सुनसान होने के कारण चोरी डकैती, यहाँ तक कि मर्डर होने की वारदातें भी बढ़ गई, जिसे बहुत से लोगों ने भूतिया घटनाओं की तरफ जोड़ दिया। और वो लोग जिन्होंने वहां रहते हुए काफी वक्त बिताया है, जब उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि जिन जगहों पर इतनी मौतें हुई हों वहां तो भूत प्रेतों का होना लाजमी है। यानी उनके हिसाब से वहां के मर्डर की कहानियों और भूतिया घटनाओं को एक ही दृष्टि से देखकर उन्होंने बताया। अब तक दूर से सुनी हुई बातों से रोमांचित होकर हमने भी सोचा, क्यों ना एक बार खुद उस जगह पर जाकर वहां के लोगों से इस बारे में बात की जाए। तो हम भी पहुंच गए आरे पिकनिक स्पॉट की तरफ। बहुत कोशिशों के बाद हमसे बात करने के लिए दो लोग तैयार हुए, जिनके साथ हमारी बातचीत कुछ इस तरह की थी। तो सर आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ, पैदा से यहीं पे रहता हूँ। अभी मेरा उम्र है 67। तो सर आप भूतों में मानते हैं? मानता तो नहीं, लेकिन बहुत से कहानियाँ ऐसा यहाँ हो गई है, जहाँ पर जैसा ये पंप हाउस की जो दुकान है ऐसा, वहाँ से काफ़ी रिक्शे वाले बोलते हैं कि हमारा गाड़ी में से एक लेडीज बैठी थी, बैठ के वो चालू गाड़ी में कभी उतरी मालूम ही नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा एक बच्चा ऐसा रोड के बैठ खड़ा था उधर, या रोड पे चल रहा था ऐसा। ओके, ये कहानी तो बोल रही। आरे कॉलोनी में कितनी बार और कौन सी जगह हॉन्टेड है, इस बारे में कुछ बता पाए? बस वहीं पर ही, वही जो मॉडर्न बेकरी 16 नंबर से लेके पंप हाउस तक, वो उतना ही है। क्या आपने पर्सनली कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया? नहीं, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। कितने वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं? 1988 से। हमारे पिताजी, जब मैं 1988 आया था तब से हमारे पिताजी का गैरेज चालू है। अच्छा, हाँ, तब से हम इधर ही पे रह रहे हैं। ओके। आप भूतों में यकीन रखते हैं? फिलहाल तो अभी हम उसे देखेंगे। अच्छा, पर यकीन रखते हैं? यकीन नहीं, हमारे पिताजी गैरेज बंद करके जाते थे तो बहुत से लोगों के मुंह से सब सुने हैं। अच्छा, कहानियां सुने जो कि इधर ऐसे ऐसे सब भूत, लेडीज, बच्चे। अच्छा, सब
तो आप मुझे बता सकते हैं कि आर्य कॉलोनी में कितनी और कौन सी जगह है हॉन्टेड में, मतलब कही जाती है जो डरावनी भूतिया है? ये इधर फिलहाल तो मैं जितनी मुझे सुना हूँ, जैसे कि 16 नंबर से लेके पंप हाउस तक। अच्छा, 16 नंबर से लेके पंप हाउस तक। तो मतलब ये जगह जो है ये हॉन्टेड कैटेगरी में आती हैं? जी हाँ, ये सब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी कुछ हॉन्टेड सा एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में? जी, वो तो हम देखे नहीं है। अच्छा, कि लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुने। अच्छा। आपको मैं जैसे बताया था कि हमारे पिताश्री ऐसे बताते थे, तो हाँ, मैं भी ऐसे बहुत से लोगों से मुंह से सुना हूँ। अच्छा, कि जैसे कि बताते कि रिक्शा ड्राइवर से, मैंने बहुत लोग मेरे को बताए हैं। हाँ, हाँ। कि रिक्शे में हम जाते रहते, पीछे एक औरत बैठी रहती जो गायब हो जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब कि ऑटो में कोई औरत बैठती है और हाँ, पीछे से ही गायब हो जाती है। ओके। और कभी बाइक वाले बताते कि सामने लड़की खड़ी, बच्चे खड़ी रहती है जो गायब हो जाते हैं, जिससे कि बहुत से एक्सीडेंट होते हैं इधर। अच्छा, मतलब कि गाड़ी के आगे अचानक से बच्चा आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते, गायब हो जाते हैं। ओके ओके, जैसे इधर के लोग जैसे भूत ये सब। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वहाँ के लोगों की मुंह जबानी सुनी कि आरे में कोई औरत रिक्शे को रुकवा कर बैठती है और चलते रिक्शे से गायब हो जाती है, और वहीं एक बच्चा जो चलती हुई गाड़ियों के सामने अचानक से दिख जाता है, और ऐसा होने की वजह से बहुत से हादसे भी हुए हैं, और बिना कैमरे के सामने आए कुछ लोगों ने वहां पर लूट वाली बात को भी स्वीकारा। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियों से भरी हुई है ये जगह। दोस्तों, हमारा इस एपिसोड को बनाने का मतलब अंधविश्वास या अफवाह फैलाना नहीं है। जिस तरह आप कोई हॉरर मूवी या वेब सीरीज देखते हैं, ठीक उसी तरह इस एपिसोड को बनाने का पर्पस भी बस आप लोगों को एंटरटेन करना है, जो कि हम अपने इस चैनल पर हमेशा करते हैं। तो बस अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपको इसी तरह के कॉन्टेंट्स और देखने हैं तो कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ।